हेलो एवरीवन। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको वो जीमेल अकाउंट बनाना है तो इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप भी अपना जीमेल अकाउंट बना लेंगे बड़ी आसानी से। तो जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर माई सेल्फ, तो आपको फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिखा है फर्स्ट नेम, तो यहां पास से आपको जो भी आपका नाम है आपको नेम दे देना है। तो यहां पास से मैं एक नेम दे देता हूँ और यहाँ पास से आपको लास्ट नेम भी कोई एक नेम दे देना, तो यहाँ पास से मैं लास्ट नेम भी एक नेम दे देता हूँ। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहां पास से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहां पास मैं अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिखा है जेंडर, तो आपको जेंडर पर क्लिक करना है। जेंडर पर क्लिक करने के बाद आप मेल या फीमेल आप जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर मेल तो मेल पर क्लिक करता हूँ। मेल पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ क्रिएट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्रिएट अ जीमेल एड्रेस, तो यहाँ पास से आपको एक ईमेल एड्रेस दे देना। तो यहाँ पास से मैं एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा ईमेल एड्रेस अभी नहीं ले रहा है। ये इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि पहले से यहां पर अभी जीमेल अकाउंट में पहले से किसी ने यह नाम ले लिया है, इसलिए यहां पर मेरा एड्रेस नहीं ले रहा। तो यहां पर मुझको यहां पर कुछ चेंज करना है। तो अगर आपका नहीं लेगा तो आपको यहां पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा आपको नंबर लेना पड़ेगा, यूनिक नंबर, जो जिससे पहले कभी इस प्ले स्टोर पर आईडी नाम नहीं हो, आपको ऐसा नंबर यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर अभी एक नंबर, कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, यूनिक नंबर। यहाँ मैंने यूनिक नंबर डाल दिया। यूनिक नंबर डालने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो यहाँ पास से आपको एक पासवर्ड डाल देना। तो यहाँ पास से मैं कोई भी एक पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइंग हो रहा है, वेरीफाइंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। तो वेरीफाई हो जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हो यस आई एम इन, तो आपको यस आई एम इन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा। आपने जिस नाम से अपनी आईडी बनाई होगी, तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम शो हो रहा है, इस तरह से आपका नाम भी शो हो जाएगा। नाम शो होने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आई एग्री, तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि गूगल सर्चिंग हो रही है, अभी सर्वर हो रहा है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर मैंने बहुत सारी आईडी बनाई है प्ले स्टोर को, तो इसलिए मेरी सारी यहाँ पर आईडी खुलकर आ चुकी है। तो सिंपल यहाँ पर सबको बैक आना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चेकिंग इन्फो हो रहा है अभी, तो यहाँ पर बैक हो चुका है। तो मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ, एक बार देखता हूँ मेरी आईडी बनी है फिर नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको इसको ओपन करके। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जीमेल आईडी बन चुके। तो इस तरह से आप भी अपनी जीमेल आईडी बना सकते हो।